ओके, ट्राइब्स ऑफ झारखंड में ना हम लोग थोड़ा सा पहले बात कर ले कि झारखंड की जो ट्राइब्स है वो उन लोगों को हम लोग डिवाइड करते हैं बहुत सारा, मतलब दो वे से। एक तो उन लोग जो करते थे उसके बेसिस पे, और एक जो प्रिमिटिव जो यहाँ के ट्राइब्स हैं, ठीक है, जैसे एबोरिजिनल ट्राइब्स, और जो बाहर से आकर के यहाँ पे बस गए लेकिन मेन ट्राइब्स मतलब मेन स्ट्रीम में उन लोग थे तो वो ट्राइब्स हुए। तो जो यहाँ बस गए उन लोगों को प्रिमिटिव ट्राइब्स भी, मतलब सॉरी, जो यहाँ पे पहले से ही थे जो यहाँ के ओरिजिनल है उन लोगों को प्रिमिटिव ट्राइब्स भी बोलते जो यहाँ के आदिवासी है, और जो आए उन लोग। तो टोटल कितने ट्राइब्स हैं झारखंड में अगर बोले तो, टोटल ट्राइब्स इन झारखंड? हाँ नेहा बोलो। 32। नेहा का आवाज ही नहीं आ रहा है। मीरा बताओ। 32। 32 तो 32 तो है, 32 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। प्रिमिटिव ट्राइब्स कितने हैं जो यहाँ के ओरिजिनल ट्राइब्स जो बोलेंगे? मीरा बोलो। 8। मेन ट्राइब से बोलते हैं, ये है 8 और ये है 20, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ये बोलेंगे कि कितना परसेंट पॉपुलेशन है जो ट्राइब्स है, ठीक है, झारखंड में। तो ये जो 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से 26.2%, हो सकता है डेटा में कुछ इधर उधर हो, अगर डेटा कॉन्ट्रडिक्टरी होगा तो हमको बताओगे क्योंकि हम तो कोई बुक ही फॉलो करेंगे ना, तो इसीलिए 26.2% इसमें लिखा हुआ। किसी को भी अगर कोई और डेटा मिलता है तो ज़रूर बताओगे। ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब आते हैं इसमें जो हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसमें आते हैं कि टोटल पॉपुलेशन जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, तो प्रिमिटिव ट्राइब्स का पॉपुलेशन इसमें से कितना है? तो प्रिमिटिव का 2.4% है प्रिमिटिव, ठीक है। तो रेस्ट हो जाएगा जो है वो मेन ट्राइब्स के होंगे। अब आते हैं कितने कितने जो ट्राइबल्स के कितने रूरल में रहते हैं अर्बन में रहते हैं। तो रूरल ट्राइब्स हैं, रूरल जो रहते हैं ये 91.7% और अराउंड 8% वही हो गया, अराउंड 8.3% जो है ये रहते हैं अर्बन, ठीक है। अब आते हैं पूरा स्टेट सॉरी पूरे कंट्री में झारखंड ट्राइब्स के मामले में कितने पोजीशन पे हैं। तो झारखंड स्टैंड्स, फोर्थ पोजीशन इन टर्म्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है, ये फोर्थ पोजीशन में। अब आते हैं इन लोगों को, पहले हम बताएं कि प्रिमिटिव और मेन ट्राइब्स में हम लोग बांट सकते हैं, लेकिन एज अ होल हम लोग इस इलों का काम से इलों किस तरह से अपना जीविका चलाते थे उसके बेसिस पे हम इन लोगों को फोर टाइप्स पे बांट सकते हैं। तो फोर टाइप्स कौन कौन से हैं? Types of tribes on the basis of subsistence. Subsistence मतलब हो गया उनको जीविका जीविकोपार्जन, subsistence।
तो उसमें कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया नोमैडिक ट्राइब्स, बात करेंगे इसके बारे में। नोमैडिक ट्राइब्स मतलब बेसिकली वो जो कि घूम घूम करके अपना जीवन यापन करते थे। फिर दूसरा हो जाएगा नोमैडिक पीजेंट ट्राइब्स, डिटेल इन लोगों का बात करेंगे। तीसरा हो गया, तीसरा है फार्मर ट्राइब्स, चौथा हो गया क्राफ्ट ट्राइब्स। ठीक है, ये चार तरह के ट्राइब्स हुए। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, अब इलुम के बारे में जानते हैं। तो नोमैडिक ट्राइब्स क्या करते थे? नोमैडिक ट्राइब्स, तो नोमैडिक ट्राइब्स क्या करते थे? वो घुमक्कड़ होते थे। नोमैडिक का मतलब ही है घुमक्कड़, घुमक्कड़ जाति होते थे। वो कहीं कहीं अपना सेटलमेंट बनाते थे जिसको तांडा बोलते थे। ठीक है, सेटलमेंट बनाते थे जिसको तांडा बोलते थे। और ये कौन कौन सा ट्राइब है? तो मतलब वहाँ पे वो कुछ दिन तक रहते हैं, जैसे कि बिरहोर, होर, हो, खड़िया, ये लोग। और इलुंग क्या करते थे कि इलुंग जो टांडा जो बोलेंगे, ये एक जगह में जैसे 10 से 15 हट्स रहेगा, वही उनका टांडा होगा। और वो क्या चीज़ से बने होते थे? तो लकड़ी, पत्ते और जो भी ब्रांचेस ऑफ ट्री, ये सारे से बने होते थे। और ये इनका खाना पीना किस पे डिपेंडेंट होते थे? जो भी फल फूल पत्ता जो भी खाते थे, और वाइल्ड एनिमल्स का मीट वूट खा करके रहते थे। और ये बोला जाता है कि ये फूड कलेक्शन के लिए मतलब इनका जो जीवन यापन है वो फूड कलेक्शन के लिए ही इधर उधर घूमते चलते थे। और इनका जो जैसे किस में खाना खाएंगे, यूटेंसिल्स क्या होगा? तो यूटेंसिल्स जैसे होंगे जो भी लकड़ी के बने होंगे, या तो फिर अर्दन पॉट से बने हुए होंगे। अर्दन पॉट यानी मिट्टी के बर्तन होंगे। और सोते कहाँ पे थे? तो एक जैसे पत्ता को बिछा करके, बड़ा बड़ा पत्ता को जैसे बिछा करके और फिर सोते थे, मतलब एज अ मैट। और इन लोगों का ड्रेस का जो मतलब कैसा वेशभूषा कैसा रहता था, तो इन लोग अपर जैसे जैसे अपर से लेकर के वेस्ट से लेकर के नीज तक ही, सॉरी वेस्ट से लेके नीज तक ही लोगों का जो भी क्लोथ्स मतलब ढकना, जो जो भी कपड़ा पहनते, तो कपड़ा क्या पहनेंगे वो उसी तरह से कपड़ा पहनते थे। ठीक है, तो क्लोथिंग उन लोगों का कवर होता था सिर्फ वेस्ट से लेके नीज तक। ठीक है, मतलब कमर से लेकर के और घुटने तक ही लोगों का कवरिंग रहता था। और जिसको जो ये कवरिंग है इसको करिया बोलते थे। ठीक है, तो हम जो जो बात बोले वो लिख लें। जो नोमैडिक ट्राइब्स है, कौन कौन से ट्राइब्स इनमें आते हैं? तो ट्राइब्स आते हैं हो, खड़िया और बिरहोर। दे आर हंटर एंड गैदरर, गैदरर दे मेक टेम्पररी सेटलमेंट्स, सेटलमेंट्स जिसको क्या बोलते थे अभी तो हम बताएं, क्या बोलते थे? बाकी लोग नहीं सुन रहे हो? नेहा बोलो। तांडा, तांडा। ठीक है, तांडा में कितने घर होते थे? मतलब घर मतलब हट। हाँ पूजा, 10 से 15। हाँ, 10 to 15 हट्स। मेड अप ऑफ वुड एंड ट्री ब्रांचेस,
ये एक जगह में फ्यू डेज के लिए रहते थे, कुछ ही दिनों के लिए एक जगह पे रहते थे. दे यूज टू स्टे ओनली फॉर फ्यू डेज एट वन प्लेस. ठीक है. दे डिपेंड ऑन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड मीट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है. और उन लोग मतलब जैसे खाना को जमा करके रखने में नहीं बिलीव करते थे. उन लोगों को मतलब फूड कलेक्ट कर करके ही खाने का उन लोगों को ये था कि उन लोग कलेक्ट करेंगे और खाएंगे. फिर उसके बाद देर यूटेंसिल्स. तो यूटेंसिल्स क्या चीज़ से बने होंगे? यूटेंसिल्स वर मेड फ्रॉम. अच्छा, हिंदी वाले लोग कर मतलब कर लोगे ना? हाँ, बुक में तो दिया है पूरा. हाँ ठीक है. वुड एंड लीव्स एंड अर्थन पॉट्स. अर्थन पॉट्स का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन. ठीक है, मिट्टी का बर्तन. और उन लोग जो सोने का तो बता ही दिए. इन लोगों का कॉमन ड्रेस था, जो मेल फीमेल दोनों है कॉमन ड्रेस. जो वेस्ट से लेके वेस्ट कॉमन ड्रेस विच कवर्स फ्रॉम वेस्ट टू नी. Which is called, क्या बोला जाता था इसको? क्या बोलते थे जो ये कपड़ा था इसको? और कोई? हाँ कांक्षा, करिया. करिया ठीक है. ये nomadic tribes हो गए. अब आते हैं nomadic peasant tribes. तो nomadic peasant tribes क्या है? nomadic peasant tribes वो है जो क्या है. अच्छा, यहाँ पे और भी कुछ कुछ है इन लोगों का nomadic tribes का. nomadic tribes का और भी कुछ कुछ बात है. जैसे कि क्या है कि इन लोग कुछ कुछ बनाते भी थे. ठीक है, जैसे बाजार हाट में बेचने के लिए या कुछ कुछ. और उस मतलब बेच के उन लोग उससे क्या है कि मसाला वसाला खाने पीने के लिए लेकर के आते थे. तो बनाते थे क्या थे? ओखली, ढोलकी, फिर कठौती. जो लकड़ी का ओखली देखे हो ना, तो बस वो इन लोग बनाते थे और उसके बदले उसको लेके जाते थे. और उसके बदले जैसे स्पाइसेस मसाला खरीद करके लेके आते थे. क्या क्या बोले? दे यूज टू मेक ओखली, ढोलकी और कठौती. ठीक है, और क्या है वो दे यूज टू सेल एंड बाय. क्या खरीदते थे? बाय स्पाइसेस ऑन रिटर्न. अब आते हैं कि स्पाइसेस खरीदते थे और क्या करते थे उन लोग? एनिमल हस्बेंड्री में बिलीव, मतलब एनिमल हस्बेंड्री करते थे. तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब हो गया कि उन लोग पशुपालन, ठीक है, करते थे. तो किस किस कौन कौन सा पशु पालते थे? तो गोट, चिकन, ये सब. गोट, चिकन,
हैं, और उन लोग कुत्ता भी पालते थे ताकि उन लोग को शिकार में हेल्प मिल सके. एंड ऑल्सो हैव डॉग्स. और सपोर्ट इन हंटिंग. अब आते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है, एक होता था कि एक जंगी टाइप का जंगी जंगी कल्टीवेशन टाइप का कुछ करते थे लोग, इसको जंगी कल्टीवेशन बोलते हैं, जो कि झूम कल्टीवेशन से अलग होता है. झूम कल्टीवेशन कुछ कुछ जगह में, जैसे नोमैडिक ट्राइब्स तो थे, लेकिन कुछ कुछ बाद में देखा गया कि यही नोमैडिक जो ट्राइब्स है कुछ कुछ सेटल होकर के और झूम कल्टीवेशन करने लगे. तो झूम कल्टीवेशन क्या हुआ कि जहाँ पे ये घट बनाए ना, वहीं पे बगल में खेती जैसे वो जंगल जला करके और कुछ उगाने लगे, ठीक है, जैसे कुछ चीज़ का खेती करने लगे. तो फिर यही लोग फिर कहे जाने लगे नोमैडिक पीजेंट ट्राइब्स, ठीक है. बाद बाद में ये चेंजेस आया तो नोमैडिक पीजेंट ट्राइब्स. तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नोमैडिक पीजेंट ट्राइब्स. तो नोमैडिक पीजेंट ट्राइब्स कौन है? घुमक्कड़ है, लेकिन क्या है, ये लोग जहाँ थोड़े दिन के लिए रहते थे तो वहाँ पे क्या है कि कुछ जंगल साफ करके और फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ उगा करके और अपना भरण पोषण करते थे. कुछ जो बचा वो लेके चल दिए, फिर दूसरा जगह में फिर खेती किए, फिर वहाँ पे. तो ये घुमक्कड़ तो थे, लेकिन जहाँ पे बसते थे वहाँ पर कुछ दिनों के लिए फिर वो वहाँ पे खेती भी करते थे. तो इसमें जो मेनली जो ट्राइब्स आएंगे, ये आएंगे सोरिया पहाड़िया. ये सब हम लोग गवर्नेंस में पढ़ चुके हैं. और कोरवा ट्राइब्स, कोरवा भी बोलते हैं, कोरवा भी बोलते हैं, ठीक है. इनका ये घुमक्कड़ तो थे, देवर नोमैड्स, बट देवर नोमैड्स, बट इसका मेन इन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, मेन ऑक्यूपेशन अभी तो हम बोले मेन ऑक्यूपेशन था झूम कल्टीवेशन. अच्छा, झूम कल्टीवेशन क्या होता है अभी हम बोले हैं, लेकिन फिर भी हम तुम लोग से पूछना चाह रहे हैं, झूम कल्टीवेशन क्या होता है? हाँ पूजा बोलो. मैम इसमें ये जंगल को जला कर खेती किया जाता है. हाँ, जंगल को जला करके उसको साफ करते हैं और फिर उसको खेती करते हैं. तो ये वही है, जंगल को जलाते थे, साफ करते थे, उसको कल्टीवेशन करते थे और उसको खेती योग्य अरेबल लैंड, मतलब खेती योग्य भूमि बनाते थे. और फिर जब फार्मिंग हो जाता था तो फिर उसके बाद नया फील्ड ढूंढते थे, ठीक है, नया जगह जाते थे, फिर उसको भी जलाते थे. और तो उन लोगों के पास शार्प टूल्स होते थे खेती करने के लिए, शार्प टूल्स फॉर एग्रीकल्चर. और फिर क्या बोल रहे हैं कि इन लोगों को इन लोग क्या है ना कि जैसे कि हंटिंग भी करते थे, हंटिंग भी करते थे. और इन लोग क्या है कि ट्यूबर रूट फ्रूट्स, मतलब जैसे कि सलगम, जो कि जमीन में जो जो भी होता था, जैसे कि ये सलगम जो ट्यूबर रूट्स, मतलब ये हो गया कि जिसका जमीन में वो फल होता है, ठीक है, ये होता था ना सलगम, इस तरह का ऐसा ऐसा ऐसा. तो इस तरह का वो फल, मतलब इस तरह का चीज़ों को वो खाते थे. क्यों? क्योंकि ये आराम से वो मिल जाता था और फिर उसके बाद उसके लिए क्या है, चढ़ करके नहीं लेना है, जमीन में ही मिल जाएगा. फिर उसके बाद
उन लोगों का जो फार्मिंग सिस्टम है, फार्मिंग सिस्टम को कुरुवा बोला जाता था, फार्मिंग सिस्टम वर्ड कॉल्ड कुरुवा। तो कुरुवा जो बोला जाता था, मतलब यही जो झूम कल्टीवेशन का सिस्टम है, कुरुवा बोला जाता था, तो इससे प्रॉब्लम बहुत होता था, क्योंकि उन लोग क्या करते थे, खेती जंगल काट दिए, ठीक है, जंगल काट दिए थे, तो जंगल काट के खेती तो कर दिए, लेकिन फिर उसको छोड़ के कहीं और चल गए थे। यहाँ तो अब इसको जलाने के बाद यहाँ पे अगर पौधा एक बार हो गया, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ तो ज़रूरी नहीं है कि हो जाएगा कुछ दिन में, तो क्या होता था, उसी बीच में बारिश अगर आया तो ये पूरा इसका सॉयल इरोजन हो जाता था। तो पुरवा जो था, तो इसमें क्या होता है, सॉयल इरोजन बहुत होता था, और जिससे कि बहुत नुकसान होता था, ठीक है, फॉरेस्ट कवर क्योंकि काट दिए, तो फिर मतलब सॉयल इरोजन होता था। अच्छा, ये जो पहाड़िया, जो सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, तो ये लोग क्या है ना कि जैसे जो माल पहाड़िया जो है वो अभी भी है, हम लोग पढ़ते ही हैं। इसमें जो सौरिया पहाड़िया वाले लोग हैं, सॉरी कोरबा वाले जो लोग हैं, कोरबा परमानेंट फार्मिंग शुरू कर दिए, परमानेंट फार्मिंग। परमानेंट फार्मिंग मतलब कि एक ही जगह में फार्मिंग करना, परमानेंट फार्मिंग स्टार्टेड इन पलामू, पलामू। हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे ट्राइब्स, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इन लोगों का एक आउटर जो भी लोग कैसे थे वो हम लोग पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, नोमैडिक हो गए। अब आते हैं फार्मर ट्राइब्स। तो परमानेंट बनने बन गए तो ये तो फार्मर हो ही गए, तो फार्मर ट्राइब्स, तो फार्मर ट्राइब्स कौन कौन थे, तो ये एक्चुअली संथाल, उरांव, को मुंडा एंड भूमिज। ये लोग पहले, मतलब इन लोग जो ट्राइब्स है, ऐसे नहीं कि एक दिन में जस्ट परमानेंट फार्मिंग करने लगे, इन लोग भी पहले हंटर गैदरर थे, फिर उसके बाद झूम एग्रीकल्चर में आए, फिर उसके बाद देखे कि झूम एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि सॉयल इरोजन हो जा रहा है, और फिर उसके बाद क्या है, अगर सब कोई जंगल काट काट के खेती कर रहे हैं, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि मतलब जगह नहीं बचेगा, या फिर काटने के लिए वो जला करके ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये बोल रहे कि हम लोग जो छोड़ के आ जा रहे हैं लैंड को, तो इन लोगों को लगा कि ये सस्टेनेबल नहीं है, तो फिर उसके बाद सस्टेनेबल फार्मिंग इन लोग स्टार्ट किए, दे स्टार्टेड सस्टेनेबल फार्मिंग। मतलब झूम खेती में क्या है कि एक जगह किए, फिर छोड़े, फिर अलग गया, तो सस्टेनेबल फार्मिंग मतलब एक ही जगह को वो साफ किए हैं, तो वहीं पे फार्मिंग शुरू कर दिए। तो इन लोगों का अभी क्या है, बहुत सारा इन लोग मेथड्स और ये यूज़ करके, इन लोग अभी टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं, और अलग अलग प्रोडक्शन का मेथड यूज़ करके, और ये करते हैं, मतलब कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, वाटर का, क्योंकि अब एक ही जगह करना है तो कंपोस्ट तो चाहिए, तो कंपोस्ट एंड वाटर का यूज़ करते हैं, और फिर फार्मिंग करते हैं। अब आते हैं इन लोग, जैसे अब क्या है कि अभी लोग बेनिफिट के लिए, पहले क्या है, सस्टेन करने के लिए, जीवा खाली अपना जीवन यापन करने के लिए, अब क्या है, अब फार्मिंग करते हैं बिजनेस के लिए। इन लोग क्या फार्मिंग करते थे, इन लोग बिजनेस के लिए करते थे, बिजनेस फार्मिंग, ठीक है। और इन लोग का जैसे अब क्या हो गया कि इन लोग जैसे मीट खाना, फिर हंटिंग करना, मीट ईटिंग एंड हंटिंग, ये ओकेजनली करने लगे, जस्ट एज अ फेस्टिवल एंड हंटिंग, कोई ओकेजन है तो चलो हंटिंग करने गए, तो ये ओकेजनली ड्यूरिंग फेस्टिवल। ये हो गए फार्मर ट्राइब्स। अब आते हैं हमारा जो है, ये है क्राफ्ट ट्राइब्स। तो क्राफ्ट ट्राइब्स कौन होते हैं, तो क्राफ्ट ट्राइब्स जैसे मेनली हो गए, इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, ये घर में बने हुए चीजों के मतलब सामान में, जैसे होम इंडस्ट्री जैसे बोलेंगे, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का चीज बना करके ही अपना जीविका चलाते थे,
they were dependent on the home industries for their livelihood. ठीक है, तो ये अपने होम इंडस्ट्री में, तो इन लोगों में मेन कौन से है ट्राइब्स, तो एक है महाली करमाली, महाली करमाली लोहरा चिक बड़ैक ठीक है, ये इसमें प्रोमिनेंट है। ये क्या करते थे, ये मतलब इनका जो मतलब ये जो रहते थे ये मिक्स पॉपुलेशन में रहते थे, मिक्स पॉपुलेशन मतलब सब मिल मतलब ऐसे कोई नहीं अलग अलग ट्राइब अलग अलग, मिक्स पॉपुलेशन में रहते थे। और इनका मेन जो बोलेंगे कि डेवलपमेंट जो हुआ सेटलमेंट, ये भूमि संथाल उराव इन लोगों के कारण हुआ सेटलमेंट जो इन लोगों का हुआ, भूमिज ये जो रह गए इन लोगों के कारण, भूमिज उराव ये लोगों के कारण, और ये संथाल क्यों, क्योंकि ये लोग अब एक जगह रह गए जो भूमि संथाल उराव, तो इन लोगों को भी तो सामान चाहिए ठीक है, खरीदते थे इन लोग एक जगह रहते थे, तो इन लोगों को इन लोग किसको बेचेंगे, और किसी को अगर बेचेंगे तो उससे तो खाने पीने खाएंगे क्या, थोड़े ना सामान खाएंगे, तो इन लोगों को खाने पीने के लिए अनाज इन लोगों से मिल जाता था, और इन लोगों को जैसे स्टोर करने के लिए या फिर जैसे होता है ना कि सोइंग के लिए, जैसे सूप ऊप का जो होता था, तो सूप ऊप जैसे कि धान को अलग करने के लिए, तो वो सब के लिए क्या है कि ये लोग दे देते थे इन लोगों को, और उसके बदले इन लोग धान दे देते थे। तो ये क्या हो गया कि दोनों ही मिक्स कल्चर में रहने लगे। अब आते हैं इन लोगों का जैसे कि हाँ, इन लोगों का जो प्रोडक्ट्स कौन खरीदता था, ये लोग खरीदते थे, जैसे चीक बड़ैक जो है, चीक बड़ैक ये लोग जनरली क्या करते थे, ये कपड़ा सिलाई करने का काम करते थे। लोहरा करमाली जो है टूल्स जो बनाने का या टूल्स का मरम्मत का काम करते थे, और जिसके कारण क्या है कि इन लोगों को खेती करने के लिए टूल्स चाहिए, तो ये लोग कर देते थे जो करमाली और लोहरा। चीक बड़ैक क्या करता था, कपड़ा सिलाई करते थे, तो कपड़ा इन लोगों को वहाँ से मिल जाता था, तो इसीलिए दोनों मतलब रह पा रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्राइब्स का जो लाइफ है ठीक है, इससे ये क्लियर होता है कि ट्राइब्स का लाइफ है, ऐसा नहीं कि आराम से लोग किए खेती और खाना मिल गया और ये हो गया। अच्छा लिख दे पहले चिक बड़े वर मेनली वीवर्स एंड लोहरा एंड करमाली used to make tools ठीक है। अब आते हैं अच्छा इन लोग टाइम टू टाइम नया नया ऑक्यूपेशन भी अपनाए ठीक है। एक ये था कि असुर जो ट्राइब था वो बाद में असुर ट्राइब, ये हम लोग पढ़ेंगे असुर ट्राइब बाद में, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया इन लोग भी अपने आप को ऑक्यूपेशन इन लोगों का चेंज होता गया। जैसे असुर ट्राइब बाद में आयरन वर्क से रिलेटेड काम करने लगे ठीक है, जैसे मशीनें जैसे आया, और फिर उसके बाद कैश रिच बिजनेस में बाकी लोग बाकी ट्राइब्स एंगेज हो गए। फिर उसके बाद क्या है कि जैसे कि ट्राइबल जो वुमेन है, ट्राइबल वुमेन जैसे फैक्ट्री में भी लोग काम करने लगे, ट्राइबल वुमेन क्या करने लगी, ट्राइबल वुमेन टी गार्डन्स में काम करने लगी ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अभी क्या है कि अभी उन लोगों को ये फील होता है कि अभी एजुकेशन भी ज़रूरी है, तो अभी बहुत सारे ट्राइबल यूथ और वुमेन को ये हम लोग देखते हैं कि अभी गवर्नमेंट पोजिशंस में है। तो ये क्या है, धीरे धीरे जैसे टाइम चेंज हुआ उन लोगों का ऑक्यूपेशन भी चेंज होता गया, ऑक्यूपेशन चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम।
अभी हम लोग को दिखता ही है कि बहुत सारे ट्राइब्स के हैं जो है वो अच्छा अच्छा गवर्नमेंट पोजीशंस में है और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में उन लोगों को वो हम लोग को दिखते हैं। तो अभी क्या है कि अच्छा सारे ट्राइब्स का जो बात करें तो सारे ट्राइब्स में, ऑल ट्राइब्स, कुछ एक्सेप्शन होंगे, सारे ट्राइब्स में क्या है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, पैट्रियार्कियल, ठीक है, मतलब मेनली मतलब पैट्रियार्कियल फैमिली जो भी है वैलिड है, जैसे जैसे हम लोग का भी पैट्रियार्कियल है ना, फादर का जो वंश चलता है वैसे, लेकिन कुछ कुछ मैट्रियार्कियल था, जैसे कि कुछ दिन पहले तक हो जो जाती थी, हो जाती उसमें मैट्रियार्की चलता था, मतलब माँ का, ठीक है, कुछ टाइम पहले तक, लेकिन शायद अभी वो भी पैट्रियार्कियल हो गया है। अब आते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो मिलेगा, जो जनरल बात कर रहा है, वो एल्डेस्ट सन को मिलेगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एल्डेस्ट सन को मिलेगा, बेटी को नहीं मिलेगा, लेकिन बेटी क्या है, जो अनमैरिड बेटी है वो मतलब शेयर कर सकती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एल्डेस्ट सन को, एल्डेस्ट सन, लेकिन अनमैरिड अगर बेटी है तो वो भी शेयर कर सकती है, शेयर बाय अनमैरिड डॉटर, लेकिन शादी हो गया तो नहीं। अच्छा, देखा गया है जो ये सारे ट्राइब्स हैं, तो थोड़ा सा जनरल खाली बात करें, मोंडा और उरांव जाति जो है उसमें देखा गया है कि विमेन्स का, वुमेन के ऊपर सोशल रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस है, और उन लोगों को बोला जाता था कि वर्शिप करने, मतलब लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, हंटिंग वुमेन नहीं कर सकती थी, फिर इवन जो गैदरिंग्स होगा, जैसे कि कोई भी फंक्शंस गैदरिंग्स होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, एक सेकंड, तो ये हमारे हो गया ट्राइब्स। तो यहाँ पे ये तो हम कॉमन कॉमन बात बोल दी, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जो मेनली जो ट्राइब्स है, तो मेनली ट्राइब्स क्या, तो मेनली जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, 8 प्रिमिटिव ट्राइब्स, तो पहले हम लोग वही स्टार्ट करेंगे, प्रिमिटिव ट्राइब्स। कितने प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं हम लोग बात किए हैं, कितने थे नेहा? 8 तो 8 प्रिमिटिव ट्राइब्स का नाम भी याद है क्या किसी का? ये है असुर, फिर है बिरहोर, बिर्जिया, फिर उसके बाद है बिर्जिया है, फिर उसके बाद है असुर, बिहोर, बिर्जिया, फिर फिर है पूर्वा, पूर्वा, पूर्वा भी बोलेंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा माल पहाड़िया, पहाड़िया, फिर उसके बाद आ जाएगा
पहाड़िया परहिया जो बोलते परहिया परहिया ट्राइब, फिर सबर ट्राइब, और फिर उसके बाद लास्ट है हमारा इसमें सौरिया पहाड़ी। ये आठ ट्राइब्स, ठीक है। तो असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरबा, मालपाड़िया, परहिया, सबर और सौरिया पहाड़ी। तो हम लोग एक एक करके भी पढ़ेंगे। तो पहला है असुर ट्राइब्स, कुछ कुछ चेंजेस है वो बस एक दूसरे से बस वही पढ़ लेंगे। अच्छा, जो असुर ट्राइब्स है, हम लोग असुर ट्राइब्स के बारे में पहले पढ़े हैं, कुछ क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े थे? पूजा, यही की जनजाति है। अभी भी हम बोले कि जो प्रिमिटिव है वो यही की जनजाति है। और क्या पढ़े थे? हम एकदम फर्स्ट ट्राइब जो बोलेंगे यही है, मतलब ये हम लोग पढ़े थे ना कि मुंडा लोग इसी लोग को शायद हरा करके, मुंडा ही ना जो हरा करके और यहाँ पे ये किए थे, मुंडा है कोई ट्राइब थी ना जो इन लोगों को हरा करके और फिर यहाँ पे अपना सेटलमेंट बनाई थी। असुर ही थी ना, असुर ट्राइब को हराया गया था। चलो अच्छा, एक एक करके देखते हैं असुर ट्राइब्स के बारे में। तो ये माइनर प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ झारखंड है। माइनर, माइनर का मतलब हो गया बहुत ज्यादा ये लोग नहीं है, माइनर प्रिमिटिव ट्राइब्स। पहले हुए रहे होंगे लेकिन अभी माइनर में आते हैं, माइनर प्रिमिटिव ट्राइब्स। और इन लोग बोलते हैं कि 0.26% अभी है स्टेट पॉपुलेशन का, स्टेट पॉपुलेशन, ठीक है। इन लोगों को असुर ट्राइब को बोलते हैं, ये लोग पाइनियर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, और क्या है, असुर जो असुर ट्राइब है, इन लोगों का नाम ऋग्वेद उपनिषद में है, ऋग्वेद उपनिषद। और क्या है, इन लोगों का फेशियल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इन लोग प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड ग्रुप के हैं, फैमिली के कैटेगरी। तो इन लोगों का कैटेगरी क्या है फेशियल पर्सपेक्टिव से, पर्सपेक्टिव से ये लोग है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड ग्रुप। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। अच्छा, इन लोगों का जो लैंग्वेज है वो इन लोगों का जो लैंग्वेज है असूरी लैंग्वेज, ठीक है। इन लोगों का लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज असूरी। जो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये है एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज ऑफ फैमिली, एस्ट्रो एशियाटिक, एक्चुअली ऑस्ट्रो होना चाहिए, एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। अभी बोलते हैं कि ये जो असुरी लैंग्वेज है ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका है। असुरी लैंग्वेज को और एक लैंग्वेज बोलते हैं, वो है माले लैंग्वेज, माले लैंग्वेज बोलेंगे, या फिर इसको और एक बोलते हैं मलेटा, मलेटा लैंग्वेज। ठीक है, ये तीनों ही यही है लैंग्वेज। यहाँ पे जो इनका मेन सेटलमेंट है, जो पैट एरिया बोलते हैं, पैट एरिया सेटलमेंट, तो ये कौन सा जगह है, गुमला, गुमला, लोहरदगा,
लतेहार एंड पलाम, ठीक है। इनका सब कास्ट भी है, सब कास्ट। तो सब कास्ट क्या क्या है, एक तो वीर असुरा, फिर क्या है बिरजा असुरा, बिरजा, और फिर क्या है अगरिया असुरा। वीर असुरा, बिरजा असुरा, अगरिया असुरा, ठीक है। इन लोगों का जो स्टार्टिंग से जो काम रहा है ना, इन लोगों का आयरन वर्क्स का ही काम रहा है। ऑक्यूपेशन क्या रहा है इन लोगों का, ऑक्यूपेशन आयरन वर्क्स, ठीक है। इन लोगों का स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, जो भी स्मेल्टिंग है, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन मेन ऑक्यूपेशन था, और उनका जीविका का एकमात्र जो बोलेंगे साधन था यही था, स्मेल्टिंग आयरन वॉज ओनली मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। तो अभी लेकिन पहले उन लोगों का वैसा था, अभी लेकिन एट प्रेजेंट क्या है, एट प्रेजेंट सब चेंज हुआ है, सिर्फ वही काम नहीं करते हैं, अभी एग्रीकल्चर भी करते हैं और अभी लोग एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अच्छा, उन लोगों का थोड़ा सा ट्रेडिशन है, मतलब असुरी ट्राइब है, तो उन लोग मॉर्निंग के खानों को, जैसे मॉर्निंग के जो मील को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो ब्रेकफास्ट बोलते हैं एकदम सुबह वाले को, और फिर दोपहर वाले को लंच बोलते हैं, तो उन लोगों का कुछ और ही नाम है। मॉर्निंग जो खाना है, मॉर्निंग मील को उन लोग लोलो घोटो जोमको जोमकू बोलते हैं, लोलो घोटो जोमकू, कल्चर का पार्ट है जोमकू। और इवनिंग मील को क्या बोलते हैं, इवनिंग मील को बोलते हैं बियारी घोटो, बियारी घोटो जोम। मेरे ख्याल से लोलो मॉर्निंग के लिए होगा, बियारी मतलब शाम के लिए होगा, क्योंकि बाकी दोनों तो सेम ही है, ठीक है। उन लोग में हड़िया, हड़िया जो हम लोग जो हड़िया देखते हैं ना, हड़िया को उन लोग बोलते हैं बोथा और झरनुई, बोथा और झरनुई, ठीक है। ये लोग जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, इन लोग का कल्चर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इन लोग जॉइंट फैमिली में भी पढ़ते हैं, जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं और न्यूक्लियर फैमिली में भी पाए जाते हैं, ठीक है। उन लोगों का सोसाइटी में जो है वो पेट्रियार्कियल एंसेस्ट्रल सोसाइटी है, पेट्रियार्कियल एंसेस्ट्रल सोसाइटी, ठीक है। और क्या है, असुर को मतलब हम लोग बहुत सारे गोत्र में बांट सकते हैं, तो लोगों का बहुत सारा गोत्र है, तो गोत्रास क्या क्या है, तो है जैसे मेन गोत्र है इन लोगों का बेंग इंदवार, बेंग इंदवार, फिर टोपो कुशार करकेटा, देखना कभी कभी इस तरह का ना टाइटल्स मिलेगा, करकेटा थितियो, थितियो बारवा, फिर बगना आइन और उलो, उलो, ठीक है।
जो और भी गोत्र हैं इसमें, जो असुर गोत्र का है, असुर गोत्र, असुर गोत्र को पारस बोलते हैं, पारस, ठीक है। अच्छा, एक क्या है ना कि इन लोगों का एक ट्रेडिशन है कि शादी एक रिचुअल है कि जैसे बच्चा अगर होने वाला होगा तो बच्चा होने के टाइम में उसको एक चामबंदी, चामबंदी एक बांधा जाएगा, चमड़े का कुछ रहता है वो, और थ्रेड लाइक रहता है, नहीं बच्चा को शादी नहीं, बच्चा को क्या करते हैं एक चामबंदी बांध करके रखते हैं उसका प्रोटेक्शन के लिए, और शादी के टाइम में इसको खोल देते हैं, ठीक है। तो ये है चामबंदी, टाइड टू इन्फेंट्स एंड इट इज लेदर थ्रेड, लेदर थ्रेड होता है चामबंदी, चमड़ा से चामबंदी बना है, लेदर थ्रेड विच इज ओपन, विच इज ऑफन ओपन ड्यूरिंग मैरिज, ये एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें क्या है ना, इन लोगों का एक जैसे अगर शादी कर रहे हैं तो दुल्हन को पैसा देना पड़ेगा, तो दुल्हन का कीमत देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं डाली टका, डाली टका, ये क्या है ब्राइड प्राइस, ठीक है, डाली टका। और एक होता है ईदी, ईदी मी या ईदी टाइमा माँ, ये क्या है स्पेशल टाइप का, मतलब से मैरिज है, मतलब टाइप ऑफ अ मैरिज, ठीक है, यूनिक मेथड ऑफ मैरिज। तो इसमें होता क्या है मेथड ऑफ मैरिज, कोई सुना है इसके बारे में, इदीमी या इदी टाइमा, ये शादी का क्या मतलब मेथड है, इसमें क्या होता है ना कि जो लड़का लड़की है वो शादी से पहले वो साथ में रहना शुरू कर देता है, ठीक है, वो एज अ हस्बैंड वाइफ रहता है, बाद में जाकर के उन लोगों का जो वेडिंग सेरेमनी है बाद में जाकर कंप्लीट किया जाता है, जो भी फॉर्मेलिटीज है मैरिजेस का, ठीक है, बिना फॉर्मेलिटी किए रहना शुरू कर देता है, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉय एंड अ गर्ल स्टार्ट लिविंग, Without marriage. और जो भी rituals है वो बाद में करते हैं marriage. But sometime they have to complete. Complete the wedding ceremony. जो भी मतलब wedding ceremony है वो करना ही पड़ेगा, लेकिन बाद में कर सकते हैं कभी। इन लोगों का मेन डेटी कौन है, तो मेन डेटी इन लोगों का भी सिंगबोंगा, सिंगबोंगा, ठीक है। इन लोगों का और भी है मारांग बोंगा, और फिर मतलब मदर अर्थ, मातृभूमि, मतलब और फिर उसके बाद दुआरी, ठीक है। फिर इन लोगों का बहुत सारा फेस्टिवल्स है, तो फेस्टिवल्स क्या क्या है, फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स है जैसे कि सोराई, सरूल, फगुआ, काथा डेली, नावा खानी, ये सब है मेन फेस्टिवल। फेस्टिवल क्या है, सोराई, सरहुल, फगुआ,
ठीक है, इन लोगों का जो प्रीस्ट है इसको बैगा बोलते हैं, बैगा बैगा, और इसका असिस्टेंट कौन होता है, सुबारी, सुबारी, ठीक है। ये असुर ट्राइब हम लोग कंप्लीट किए, पढ़ा तो भी लिखेंगे अभी सब, हो ना गायब हो गए, हम ही पढ़ा रहे हैं खाली। अच्छा क्वेश्चन पूछे, आकांक्षा घर चली गई क्या, नहीं आ गई, चलो पूछते हैं। सब थे ना क्लास में? हाँ मैम, यस मैम, हाँ तो इसीलिए पूछते हैं, तब ना पता चलेगा कि हाँ कितना लोग फिजिकली थे और कितना लोग मेंटली थे। तो एक बात बताओ, इन लोगों का शाम का जो इवनिंग मील है इसको क्या कहा जाता था असुर ट्राइब में? काजल मैम, बिहारी घोटू झुमकू, ठीक है। और अनिमेश, दिन का खाना को, दिन का जो मॉर्निंग मील रहता था उसको? लोलो भोटो झुमकू, लोलो भोटो झुमकू, ठीक है। अच्छा, इन लोगों का जो असुर जो जाति है ये कहाँ कहाँ लिखा हुआ मिलेगा हम लोग को एंशियंट में? आकांक्षा जो हाथ नहीं उठाएगा उसे भी पूछेंगे। ऋग्वेद में और उपनिषद में। हाँ ठीक है। अच्छा, इन लोगों का लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? सना नहीं आते मैम। अच्छा पूजा, असुरी, और क्या क्या बोलते हैं? और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट भाषा परिवार से है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट नहीं, प्रोटो इस एस्ट्रा एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। और इन लोगों को और भी लैंग्वेज को और भी कुछ कुछ बोलते हैं। हाँ काजल बोलो। मिलाता और मेरी मिलाता, मिलाता और माले, MALEY माले, ठीक है। अच्छा, इन लोगों का जो फ्रीज होता है उसको क्या बोलते हैं, और उसका असिस्टेंट का नाम भी बोलना। पूजा बोलो। प्रीस्ट बैगा है और असिस्टेंट पता नहीं। बाकी लोग असिस्टेंट? हाँ काजल, असिस्टेंट सुबारी, सुबारी, ठीक है। अच्छा, जो ये लोग चमड़ा का कुछ पहनते हैं जो शादी के टाइम में खोल दिया जाता है, क्या बोला जाता है? कांचा, शाम बंदी, शाम बंदी, ठीक है, ठीक है। आगे आगे हम लोग दूसरा ट्राइब पढ़ेंगे, ये है बिरहोर। मैम शादी वाला नहीं पूछा, लिविंग रिलेशनशिप वाला। हाँ बोलो, लिविंग रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? इदी मी और इतु दी मा, इदी ताई मा, ठीक है, इदी मी या इदी टाइमा, ठीक है। आगे हम लोग बिरहोर पढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो ट्राइब है, ये है बिरहोर।
बिहोर। तो बिहोर में है बिहोर जो है ना अभी एक्सटिंक्ट माइनॉरिटी प्रिमिटिव हो प्रिमिटिव है। एक सेकंड ओके बिरहोर ट्राइब्स में क्या है तो ये क्या ना एक्सटिंक्ट ट्राइब हो गया अभी एक्सटिंक्ट माइनॉरिटी प्रिमिटिव ट्राइब एक्सटिंक्ट माइनॉरिटी प्रिमिटिव ट्राइब ठीक है। ये क्या है कि ये जनरली स्मॉल ग्रुप्स में रहते हैं जो जंगल में घूम घूम के और फिर अपना जो भी खाने पीने का चीज़ कलेक्ट करते हैं ठीक है जैसे कि कंदमूल फ्रूट्स फ्लावर्स जो भी है और हंटिंग करते हैं करते थे। ये भी क्या है हंटिंग एंड गैदरिंग ऑफ फ्रूट्स हम लोग देखे ही थे ये नोमैडिक थे। तो इनका क्या है ना कि ये जो ग्रुप है एथनिक ग्रुप ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड ग्रुप ऑस्ट्रोलाइड ठीक है और मतलब रेशियल वे से रेशियल वे से फिर इन लोग जो लैंग्वेज बोलते थे बिरहोरी बिरहोरी जो लैंग्वेज है वो मुंडारी लैंग्वेज का एक पार्ट है। बिरहोरी लैंग्वेज वॉज language was part of Mundari language ठीक है। और क्या है ये इन लिंग्विस्टिक के हिसाब से इन लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज के थे और सब फैमिली के थे वही फिर से ऑस्ट्रो एशियाटिक सब फैमिली अच्छा। इन लोगों का जो इन लोग जो मेनली कहाँ कहाँ पाए जाते थे तो पाए जाते थे हजारीबाग चतरा जो एरिया है हजारीबाग चतरा कोडरमा रांची सिमडेगा गुमला मतलब ये सारे जगह में लोहरदगा का मतलब करीब करीब हो ही गया लोहरदगा का सिंघूम बोकारो गिरिडीह धनबाद गिरिडीह और धनबाद। अगर पूरा जो अगर देखा जाए लोगों का लुंगा जैसे अगर हम थोड़ा मैप बना के कोशिश कर रहे हैं जैसे अगर ऐसे करते हैं जो भी है हम रफ बना रहे हैं तो लुंग इसका जो पोर्शन है ये है जैसे यहाँ पे चित्रा
फिर हजारीबाग, कोडरमा, फिर गिरिडीह, बोकारो, मतलब इधर में ये छोड़ दो थोड़ा सा, ये जो एरिया है मेन मेन ये सारे एरिया में एकदम पाया जाता है। फिर इधर गुमला, सिमडेगा, तो ये सारे एरिया में ये लोग मेनली ऐसे पाया जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। इन लोगों का और क्या है? तो बिरहोर जाति का अब आते हैं टाउनशिप। तो इन लोगों का भी अब याद करो, जो नोमैडिक घूमते थे उन लोगों का, जहाँ पे लोग घर बनाते थे 15-20 जो भी 10-12, तो उसको क्या बोलते थे? नेहा बोलो। तंड। तंडा। तो इन लोगों का जो छोटे छोटे घर जो मतलब वो ग्रुप रहता था उसको टांडा बोलते थे। और जो बिरहोर का जो छोटा सा घर होता था, बिरहोर लोग का जो स्मॉल हट, हट को क्या बोलते थे? तो वो कुंबा बोला जाता था, कुंबा या फिर कुरहार, कुरहार। अच्छा, हम लोग जब गवर्नेंस पढ़ रहे थे तो हम लोग एक वर्ड देखे थे, गितियोरा। गितियोरा क्या था, किसी को याद है? गितियोरा क्या था, किसी को याद है? हाँ नेहा बोलो। मैम वो यूथ होम्स था शायद। हाँ, यूथ होम्स जो था वो यूथ होम्स, जहाँ पे क्या है यंग जो भी लड़का लड़की, लड़का हो या लड़की हो, मतलब उन लोगों का एक हॉस्टल टाइप का था गितियोरा, बॉयज एंड गर्ल्स का, अलग अलग जो भी होगा बॉयज एंड गर्ल्स का, यूथ होम्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, ये था गितियोरा। तो उन लोगों का भी गितियोरा था। तो यहाँ पे जो बॉयज का जो गितियोरा था उसको बोला जाता था डोंडा कांथा, डोंडा कांथा। ठीक है, ये बॉयज गितियोरा। ठीक है, और लड़की लोग का क्या बोला जाता था? डिंडी कुंडी, डिंडी कुंडी गर्ल्स का। इन लोगों का ना एक ट्राइंगुलर शेप का क्यूब्स रहता था, इन लोगों जैसे ट्राइंगुलर टाइप का जो भी रहता था, तो ट्राइंगुलर जो हार्ट टाइप का जो रहेगा, ट्राइंगुलर हार्ट, तो उसको बोला जाता था उथलू बिरहोर, उथलू बिरहोर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या? अब आते हैं जो एल्डर। मैम ये ट्रायंगुलर वाला क्या बोल? उथलू बिरहोर, मतलब ट्रायंगुलर टाइप का, मतलब एक हट टाइप का बना हुआ रहेगा, तो उसको बोलेंगे उथलू बिरहोर। ठीक है, फिर जो एल्डरली पीपल के लिए, ठीक है, जो घर बना हुआ रहेगा कुंबा, जो हट टाइप का जो बोले ना, एक हट टाइप का बना रहेगा जिसको कुंबा बोलेंगे, तो एल्डरली पीपल के लिए जो बना रहेगा उसको बोलेंगे ओडा कुंबा। और यंग लोगों के लिए अगर बोला बना हुआ रहेगा, यंग पीपल के लिए, तो उसको बोलेंगे चू कुंबा, चू कुंबा। ठीक है, इन लोगों का जो बिरहोर है, तो इन लोग क्या है चुन चुन के लाते थे और खाते थे, इन लोगों का यही था। तो इन लोगों का लाइफ का एक ही मदद से बोलेंगे कि उन लोगों का लाइफ कैसा था, तो लूट लाओ फूट खाओ, लूट लाओ फूट खाओ, फूट खाओ। ठीक है, अच्छा, इन लोगों का अपना सब क्लास था,
सब क्लास क्या क्या था, जांघी बिरहोर, जो बाद में जाकर के जो जांघी बिरहोर थे वो बाद में जाके परमानेंट कल्टीवेटर्स बन गए बिरहोर, लेटर दे बिकेम परमानेंट कल्टीवेटर। ठीक है, अब आते हैं उन लोगों का जो लैंड होता था वो तीन तरह का लैंड होता था, लैंड थ्री टाइप्स। तो थ्री टाइप्स क्या लैंड होता था, तो एक होता था बेरा, बेरा लैंड। तो बेरा लैंड क्या है, ये लो लैंड होता था, निचला भूमि जो बोलेंगे बेरा। फिर होता था गोडा, गोडा होता था हाई लैंड, हाई लैंड। ठीक है, फिर होता था बाडी, बाडी ये मिडिल लैंड। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो लैंड्स है ये कम्युनिटी का प्रॉपर्टी माना जाता था और इसको सेल नहीं कर सकते थे, विच कैन नॉट बी सोल, विच इज फॉरबिडन टू सेल। ठीक है, अब आते थे ये लोग बहुत अच्छा काम करते थे, किसके मामले में, मतलब बहुत निपुण थे काम करने में, तो निपुण थे तो ब्रास, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये सब का काम में ये लोग निपुण थे। तो इन लोगों को जैसे बिरहोर जो जाती है, बिरहोर जाती तो जांघी बिरहोर तो बोल ही दिए सब क्लास, तो और एक बिरहोर का सब क्लास है, यहीं पे लिख देते हैं सब क्लास, एक तो बोल ही दिए लेकिन और एक है, एक है मतलब और दो है, जैसे कि उथलू और भुलिया, उथलू और भुलिया, ये लोग क्या थे, ये घुमक्कड़ थे, नोमैडिक घुमक्कड़, घुमक्कड़। और ये जो जांघी बिरहोर बोले इन लोगों को थानिया भी बोलते थे, और थानिया। ठीक है, जांघी और थानिया दोनों क्या है, ये परमानेंट जो भी हो कल्टीवेटर ये बन गए। ये जो उथलू बिरहोर, उथलू और जो भूला जो बोल रहे हैं, भुलिया, भूला नहीं भुलिया, ये घुमक्कड़ जो थे ये कब सिर्फ रुकते थे, सिर्फ रेनी सीजन में कुछ दिनों के लिए कहीं पे रुकते थे, नहीं तो ये घूमते रहते थे, stay for some time, नहीं तो बाकी सब टाइम ये लोग घूमते रहते थे, और मतलब ये खाने पीने का खोज में। और ये परमानेंट सेटलमेंट बनाया जांघी बिरहोर, जांघी और थंगिया बोले जो थनिया। अच्छा, बहुत मैरिज सिस्टम था, बहुत टाइप का मैरिज सिस्टम था बिरहोर जाति में, जैसे नापान बापला, उदरा उदरी बापला, बोलो बापाला, सिपुंदर हिरम, फिर बेंग काडी। ठीक है, तो ये सब क्या है, मैरिजेस है। तो मैरिजेस कितने टाइप का हो रहा है, अब इसके बारे में तो नहीं दिया हुआ है, मैरिजेस क्या बोल रहे हैं, नापान बापला। अब हम लोग इसमें गेस भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उदरा उदरी बापला, बापला मेरे को लगता है कि शादी को बोलते होंगे, बोलो बापला या बोल के शादी कर लिए होते हैं, वैसा कुछ होगा, नहीं हम नहीं बोल रहे हैं, मेरा बात पे मत रहना। सिकुंदर, फिर हिरम और बेंग काडी, तो ये सारा कुछ जो है इन लोगों का शादी का ट्रेडिशन था। सिंह बोंगा, इन लोगों का भी मेन जो डेटी है ये सिंह बोंगा है, सिंह बोंगा। और इन लोगों का जो बोलते हैं कि फैमिली जो भगवान है, जो फैमिली भगवान जो बोलते हैं, फैमिली डेटी, जैसे बोलते हैं बहुत लोग का ना मेरा कुल देवता, तो वही कुल देवता इन लोगों का कौन है, तो हेप्रम, हेप्रम। ठीक है, इन लोग तीन टाइप का डांस करते थे, डांस तो डांस का क्या था, डोंग, लागरी और मुतकार, डोंग
लागरी और मुक्ता, ये लोगों का डांस फॉर्म, ठीक है। फैमिली डेटी हेब्रम और ऐसे ही लोगों का जो डेटी है सिंगबोंगा। ये क्या है? ये हीरियम हुरियम हुरियम सॉरी हीरियम हीरियम अच्छा इसको हम इरेज करके चले गए। मतलब शादी का एक ट्रेडिशन है, मतलब शादी का एक वे हीरम हीरम, ठीक है। इसमें एक बात और लिख लो, यहीं पे लिख दे रहे हैं फैमिली। अच्छा एक अच्छा यहाँ पे ही बता रहे हैं कि उन लोगों का फैमिली का एक सिस्टम था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन था। तो फैमिली ऑर्गेनाइजेशन जो बोलते थे उसको बोला जाता था बैंड, मतलब बंद। फैमिली एक ऑर्गेनाइजेशन था, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं दिया होगा ये बुक में ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको क्या बोलते थे बैंड। और इसका हेड ऑफ द फैमिली जो होगा, हेड ऑफ द फैमिली, इसको बोलेंगे नाया। शायद नायक ही होगा लेकिन नाया बोलते हैं, बोल जाते हैं, ठीक है। लिख लिए सारे लोग? चलो रिवीजन। ये हमको बताओ कि जो लड़की लोग का गितियोड़ा होता था उसको क्या बोलते थे? लड़की लोग का गितियोड़ा को क्या बोलते? कहाँ चले गए सबका सब? हो ना डोंडी काठी ऐसे कुछ था, डोंडी काठी। और क्या बोलते थे उसको? डिंडी कुंडी, डोंडी कांटी नहीं, डिंडी कुंडी। और लड़का लोग का गितियोड़ा को? लड़का लोग का गितियोड़ा को क्या बोलते थे? सिर्फ पूजा ही पढ़ रही है क्या? बाकी लोग ऐसा तो नहीं सब बंद वो ऑन करके और छोड़ दिए हो? ये हम प्रेजेंट है, मेरे को सर वाला आइडिया लगाना पड़ेगा कि जो जो यहाँ पे मौजूद है हाथ उठाओ।
अच्छा निमेश ही खाली है। हाँ निमेश बोलो। अच्छा सही में बताओ तो कौन कौन है, हाथ उठाओ जो जो है यहाँ पे। अच्छा मीरा भी है। अच्छा चलो है सबको सर। अच्छा अच्छा आइडिया देते हैं। अच्छा ठीक है। यहाँ पे जो बूढ़े लोगों के लिए जो घर मतलब हट बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है? बूढ़े लोगों के लिए जो हट बनाते हैं। हाँ सना बोलो। उड़ा कुंबा। और ये बताओ कि जो यंग लोग के लिए। हाँ वो तो ठीक है। तीन तरह का इलुम का लैंड होता था, तीनों लैंड के बारे में बताओ। तीनों लैंड का नाम क्या था? हम ही बताए ना मैम। नहीं तुम नहीं बताओ, काजल बताओ। हाँ ये लो लैंड था उसका नाम था बेरा, और मिडिल लैंड था उसका नाम था बड़ी, और फिर हाई लैंड था उसका नाम था गोरा। और ये सारे लैंड जो थे ना वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी माना जाता था। ठीक है, उन लोगों को बेचा नहीं जा सकता है। अच्छा दो तरह का सब क्लास था बेहोर का, कौन कौन सा था? दो तरह का सब क्लास। नेहा बोलो। उठलू और एक जांगी। उठलू को भुलिया भी बोलते हैं और जांगी को थानिया। ठीक है, तो इसमें से परमानेंट कल्टीवेशन कौन करता था? हाँ सना जांगी पिहोर। ठीक है। अच्छा ये जो इन लोगों का फैमिली डेटी को क्या बोलते थे? फैमिली का जो भगवान जो बोलते हैं। काजल। हेप्रोम। हेप्रोम ठीक है। फैमिली ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता था? हाँ सना बंद। अच्छा हेड को क्या बोला जाता था? सना नाया। नाया ठीक है, तो बाकी लर्न कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट दिव्या। मैम फैमिली ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है फिर से बोल पूछ लीजिए। बंद बोलो या बैंड बोलो, इंग्लिश में बी ए एन डी यानी बी ए एन डी को बंद भी बोल सकते हैं, तो बंद बोल सकते हैं दिव्या। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में है ना तो हम लोग प्रोनाउंसिएशन में तो थोड़ा इधर उधर होगा। बी ए एन डी बंद भी बोलते हैं, बी ए एन डी बैंड भी बोलते हैं, तो बंद ही होगा ऑब्वियस का बात। अब आते हैं बिरजिया जैसे। तो बिरजिया वैसे ही है, ये स्मॉल प्रिमिटिव ट्राइब है। प्रिमिटिव वाले लोग को ही पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, प्रिमिटिव। तो स्मॉल प्रिमिटिव ट्राइब, तो ये भी प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। अब रिपीट होगा बहुत सारा, ऐसे ही होगा प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। ये 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंगली ये लोग 0.07% पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, इन लोग मेनली कहाँ पे रहता है, मतलब इन लोग कहाँ पे मिलेंगे? ये मिलेंगे बारवाड़ी, गारू, फिर महुआ डांड। तो एक्चुअली शायद महुआ टाड़ ही होगा ये वाला, फिर बालूमात। ये सारा क्या है? बालूमात कहाँ? लतेहार। तो महुआ टाड़ भी होगा लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ लातेहार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये लोग मतलब ये सारा जो है ना ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट का है। फिर भंडरिया, तो भंडरिया कहाँ पे है? तो भंडरिया में भी ये पाए जाते हैं, तो ये है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, गढ़वा। ठीक है, फिर और कहाँ पाए जाते हैं? तो विष्णुपुर, ये है गुमला डिस्ट्रिक्ट, विष्णुपुर, ये गुमला डिस्ट्रिक्ट।
और सेन्हा और किसको ब्लॉक ऑफ रायडी लोहरदगा, क्या बोले सेन्हा एंड किसको? ब्लॉक्स ऑफ रायडी लोहरदगा ऑफ लोहरदगा, ठीक है। अब आते हैं इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, बिरजिया का मेन ऑक्यूपेशन, तो इनका मेन ऑक्यूपेशन था फार्मिंग, फार्मिंग, ठीक है। ये माउंटेन कल्टीवेशन भी करते थे, माउंटेन कल्टीवेशन, इन लोगों का और क्या ऑक्यूपेशन था, मतलब जैसे बोलेंगे प्रोफेशन, सब प्रोफेशन इन लोगों का क्या था, सब प्रोफेशन टेनेंसी, प्रोफेशन वॉज मेनली टेनेंसी, अच्छा। इन लोगों का भी जो खान मील का है अलग अलग टाइम है, तो अलग अलग टाइम में मॉर्निंग है, मॉर्निंग डे है, मतलब डे मतलब दोपहर का जो बोलेंगे, और नाइट है, तो मॉर्निंग मील को ये लोग बोलते थे लुकामा, जो हम लोग का नाश्ता है लुकामा, और इन लोगों का डे मील को बोलते थे कलवा, लंच को हमारा, और रात को बियारी, बियारी ही रात शायद हो रहा है, उधर भी बियारी था, बियारी, अच्छा। बिरजिया जाति में दो सब क्लास है, बिरजिया का जाति में, तो दो सब क्लास कौन कौन सा है, तो एक है बिरजिया दूध बिरजिया है, और एक रास बिरजिया, दूध बिरजिया और एक है रास बिरजिया, ठीक है। तो एक होता था सॉरी, ये हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, बिरजिया को जो जाती है ये दो, एक्चुअली दो तरह का है, तो ये है सिंदूरिया, सिंदूरिया इसका अब सब क्लास में आएगा, सिंदूरिया बिरजिया, ठीक है, और एक है तेलिया बिरजिया, मतलब इन लोगों को दो भाग में बांटा गया, तेलिया बिरजिया, तेलिया, ठीक है। बिरजिया जो जाती है दो भाग में बटा, सिंदूरिया बिरजिया, तेलिया बिरजिया। अब सिंदूरिया बिरजिया कौन है, तो सिंदूरिया बिरजिया वो लोग है जो लोग सिंदूर यूज करते थे, और तेलिया बिरजिया सिंदूर नहीं यूज करते थे, ठीक है। अब जो तेलिया बिरजिया है इसका सब डिवीजन है, एक है दूध बिरजिया और एक है रास बिरजिया, तो जो दूध बिरजिया है ये लोग क्या है, दूध पीते थे, ये दूध पीते थे काउज मिल्क, और ये क्या है काउज मिल्क पीते थे, और लेकिन मीट नहीं खाते थे, नो मीट, ठीक है, मीट नहीं खाते थे। और जो रास बिरजिया है वो काउज मिल्क पीते भी थे प्लस ईट मीट, मीट खाते भी थे, ठीक है। इन लोगों में क्या है, पॉलीगैमी था, यहीं पे लिख दे क्या, थोड़ा ही सा बात लिखना है। इन लोग क्या करते थे, इन लोगों का जो क्या बोले पॉलीगैमी था, पॉलीगैमी प्रेवलेंट, अच्छा छोड़ो दूसरा पेज में, इन दिस ट्राइब पॉलीगैमी वाज प्रेवलेंट, ठीक है। और क्या, इन लोगों का क्या था कि
ये लोग बिरजिया भाषा बोलते थे, बिरजिया डायलेक्ट बोलेंगे, बिरजिया डायलेक्ट मिक्स्ड विद मुंडारी एंड अदर डायलेक्ट्स, मतलब सारा भाषा को मिला करके बिरजिया भाषा बोलते थे, अदर डायलेक्ट्स, ठीक है। इनका कम्युनिटी पंचायत होता था, कम्युनिटी पंचायत, जिसका हेड को बैगा बोलते थे, हेड वाज कॉल्ड बैगा, ठीक है। ये हो गया बिरजिया जाति। पूछे हम नाम लास्ट वाला क्या था पॉइंट, कम्युनिटी पंचायत होता था जिसकी हेड को बैगा बोलते थे, ठीक। अब आते हैं, ये बताओ हमको बंदरिया कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? बंदरिया नहीं, भंडरिया, भंडरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हाँ आकांक्षा, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। सिन्हा और किसको डिस्ट्रिक्ट का नाम जानना है? सिन्हा और किसको? हाँ नेहा बोलो। लोहरदगा, लोहरदगा। ये जो जाति है ये दोपहर के खाना को क्या बोलती थी? काजल, कलवा, कलवा। अच्छा, इसका दो सब डिवीजन चाहिए, दो डिवीजन चाहिए हमको। कौन कौन से मतलब पार्ट थे, मतलब बिरजिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था? हाँ पूजा बोलो। मैम ये सिंदुरिया और एक तेलिया, उसके आगे तेलिया का दो पार्ट। हाँ तेलिया को दो पार्ट में डिवाइड, एक दूधिया और एक रस। तो दूध और रस, तो दूध वाले लोग का क्या डिफरेंस था पूजा? मैम ये दूधिया जो थे ये लोग दूध पीते थे, मांस नहीं खाते थे, और जो रस वाले थे ये दूध भी पीते थे और मांस भी खाते थे। ठीक है, ठीक है, चलो आगे आगे हम लोग कोरवा ट्राइब्स। कोरवा ट्राइब्स तो ऑब्वियस बात है ये भी प्रिमिटिव ही होंगे, तो ये भी प्रोटो ऑस्ट्रलाइड ग्रुप। अच्छा एक अच्छा बात ये है कि सबको प्रोटो ऑस्ट्रलाइड ग्रुप दिख रहा है, तो जो नहीं होगा उसको याद कर लो, ठीक है। इन लोगों का जो भाषा था ये लैंग्वेज क्या था, लैंग्वेज ये था कोरवा ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज, लैंग्वेज फैमिली, ठीक है फैमिली। अब आते हैं ये लोग कहाँ से आए थे, तो बोला जाता है ये लोग एमपी से, दे केम फ्रॉम मध्य प्रदेश टू झारखंड, एमपी टू झारखंड, कोरवा जाती है, ठीक है। अब 2001 का सेंसस के हिसाब से ये 0.41% है ट्राइबल पॉपुलेशन जो स्टेट का है उसमें। ये जो मेनली कहाँ पे रहते हैं, तो मेनली जो माउंटेन रीजन ऑफ गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, मेनली ड्वेल्स एट माउंटेन रीजन ऑफ रीजन ऑफ गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, गढ़वा पलामू एंड लतेहार, ये इसका माउंटेन रीजन जो है वहां पे वो रहते हैं। अच्छा
जो मतलब दो जैसे जो माउंटेन में रहते हैं उन लोगों को पहाड़ी कोरवा बोलते हैं, पहाड़ी कोरवा, और जो लोग माउंटेन पे नहीं रहते हैं, जो नीचे रहते हैं गांव वाँव में, तो उन लोगों को दिहारिया कोरवा बोलते हैं, माउंटेन वाले को, माउंटेन्स पे जो रहते हैं, और जो विलेजेस में रहते हैं गांव वाँव में नीचे, तो इसको बोलते हैं दिहारिया कोरवा, दिहारिया कोरवा। ठीक है, अब क्या है इन लोगों का क्या है, मिक्स्ड मतलब मिक्स्ड बोलेंगे इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया कि लोग फार्मिंग भी एग्रीकल्चर भी करते हैं, हंटिंग भी करते हैं, और क्या है इन लोग हस्बेंड्री भी करते हैं और क्राफ्ट मेकिंग भी करते हैं। ठीक है, ये सारा काम करते हैं। और इवन क्या है कि इन लोग ट्रांसफर्ड एग्रीकल्चर करते हैं, ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड एग्रीकल्चर जिसको बोला जाता है बोईडा, बोईडा। ठीक है, इन लोगों का गोत्र सिस्टम है, गोत्र सिस्टम। तो गोत्र सिस्टम को किल्ली सिस्टम भी बोला जाता है, किल्ली सिस्टम। तो इन लोगों का, हाँ निमेश, ये क्या है, रेड में मेकिंग, मेकिंग क्राफ्ट्स मेकिंग। अच्छा, मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब हो जा रहा है। ठीक है, गोत्र और किल्ली सिस्टम बोलते हैं। तो गोत्र कौन कौन से गोत्र है, तो हुतरतियंस, हुतरतियंस, और क्या है तो कासी सुइया, कासी सुइया, खारपो, और क्या है तो कोकट और बुचुंग, कोकट एंड बुचुंग। ठीक है, ये इन लोगों का गोत्र था। अच्छा, इन लोगों का भी जो गॉड है, गॉड कौन है, डेटी, तो कौन होगा, सिंगबोंगा। ठीक है, और भी है, धरती माई है, फिर विलेज गॉड है, कुल देवता है, विलेज गॉड, कुल देवता। ठीक है, फिर रक्सेल देवता भी है, रक्सेल, दुराहा चांदी, दुराहा चांदी, और क्या है सोखा, सोखा देवता। ये कोरवा जाति में है। इन लोगों का भी प्रीस्ट को क्या बोलते हैं, तो प्रीस्ट को बोलते हैं प्रीस्ट इज कॉल्ड बैगा। ठीक है, अच्छा, इन लोगों का जो कोरवा जाति है ना, इसको सेवन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेवन पार्ट्स। तो सेवन पार्ट्स क्या क्या है, कोरवा, मानराजी, सामत, सामत सिंदूरिया, ठीक है, आदगी, आदगी, मुरुंग, और क्या है बिराजिया, बिराजिया, और है गोला बिंदु,
गोला बिरो, ठीक है। इन लोगों का जो लैंग्वेज है ये सादरी लैंग्वेज है, सादरी, सादरी लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, इन लोगों को क्या है ना कि इन लोगों का हम क्या बोले, क्राफ्ट मेकिंग का काम करते हैं, कल्टीवेशन का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का, सब तरह का काम करते हैं। तो बोला जाता है ओराव जाति, ओराव ट्राइब्स इन लोगों को काम देते हैं, ट्राइब्स गिव देम वर्क, ठीक है, ऑफ लेबर, लेबर का काम देते हैं और एंड कॉल्स देम, और उन लोगों को बोलते हैं कॉल्स देम धांगर, उनको धांगर बोला जाता है, धांगर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये कोरवा ट्राइब्स खत्म हुआ। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है तो हम फिर नेक्स्ट फिर एक ही बार पढ़ा के फिर पूछेंगे। कुर्बा हो गया, फिर हम लोग का नेक्स्ट जो जाती है ये है माल पहाड़िया। ये सब छोटे छोटा है, ज्यादा नहीं है। ये आ जाता है फिफ्थ जो है, ये है माल पहाड़िया। तो प्रिमिटिव है ये तो अंडरस्टूड होगा। ये बोलेंगे जो पहाड़िया जो जाती है उसका एक मेन ब्रांच है, वन ऑफ दी मेन ब्रांच ऑफ पहाड़िया कास्ट, ठीक है, माल पहाड़िया। अच्छा, ये वही प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड ग्रुप का होगा। इन लोगों का जो लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज इन लोगों का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लैंग्वेज जो है इन लोगों का माल्टो बोलते हैं लैंग्वेज को, माल्टो। और ये कौन सा ग्रुप का है, तो ये द्रविड़ियन ग्रुप का है, द्रविड़ियन, द्रविड़ियन फैमिली का, ठीक है। अब इन लोगों का आते हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से इन लोगों का जो पॉपुलेशन है 1.57% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब आते हैं इन लोग जो मेनली कहाँ पे मिलते हैं, तो दुमका, दुमका, जामतारा गोड्डा, जामतारा गोड्डा, देवघर पाकुड़, देवघर पाकुड़। मैप में देख लोगे कहाँ पे होगा, ठीक है। इन लोग भी दे ऑल्सो डू झूम एंड कुरवा खेती, झूम एंड, याद करो कुरवा हम लोग पढ़े हैं, कुरवा खेती, कुरवा कल्टीवेशन, अच्छा। माल पहाड़िया वाले लोग जो है अपना लैंड को फोर कैटेगरीज में बांटते थे, फोर, फोर कैटेगरीज। तो फोर कैटेगरीज क्या है, ये है बीन, फिर टिकूर, फिर क्या है डेम या दामे बोलेंगे, डेम और घर बारी। ये जो है बहुत फर्टाइल लैंड होता था, फर्टाइल लैंड, ठीक है। ये टिकूर होता था लेस फर्टाइल, लेस फर्टाइल। फिर दामे जो बोलते थे वो ये दोनों, मतलब जैसे बीच का, ये बीच का जो लैंड है इसको दामे बोलते हैं। नॉट मच फर्टाइल,
या बोलेंगे लिटिल फर्टाइल, लिटिल दोनों का बीच का जो लैंड है। और बारी लैंड जो बोलते थे ये किचन गार्डन बोलते थे, किचन गार्डन घर बारी किचन गार्डन बोलते थे, जैसे घर के लिए अगर सब्जी उब्जी उगाना हो तो ये किचन गार्डन में बोल उगाते थे, ठीक है, ये घर के लिए सब्जी उब्जी उगाने का काम करते थे। और इलुंग का भी ट्रेडिशन था कि ब्राइड प्राइस देना है, मतलब दुल्हन को अगर शादी करना है तो दुल्हन को पैसा देना होगा, तो ब्राइड प्राइस को इलुंग पॉन बोलते थे, पॉन। गोत्र नहीं पाया जाता था, गोत्र नॉट फाउंड, नॉट फाउंड इन मालपहाड़िया। ठीक है, इसमें गोत्र का कोई सिस्टम नहीं था। अब आते हैं शादी के टाइम में इलुंग का जो शादी होता था, लड़का वाला जाता था, बॉयज फैमिली जो जाता था, बॉयज फैमिली फादर, ये जो हम लोग बोलते हैं ना अगुआ, अगुआ किसको बोलते हैं, अगुआ, अगुआ बोलते हैं जो कि शादी करवाता है, ठीक है, तो इलुंग उसको बोलते थे सिथू और सिथूदार, सिथू और सिथूदार, ठीक है, उसके थ्रू ही मतलब बात चलाते थे कि हाँ लड़की ढूंढो या ऐसा कर। फिर उसके बाद अच्छा जो कैश प्राइस देते थे पॉन ना, कैश, तो उसको कैश पॉन बोलते थे। और जो बैगेज देते थे सामान, बैगेज, ठीक है, उसको सामान वन जो देते थे बैगेज, उसको बंदी बोलते थे, बंदी, बंदी दे दो, बंदी, ठीक है। एंसेस्टर जिस जहाँ पे पूजा करते थे वही लोग भी, मालपहाड़िया का जो ग्रुप है वो भी वही पूजा करता था। इन लोगों का जो मेन देवी होंगे, मेन देवी कौन है, तो धरती, ये मेन देवी है इन लोगों का, मेन देवी, उसमें तो हम लोग बार बार देख रहे थे कि सिंह गुंगा है, तो इनका मेन देवी क्या है, धरती गोरासी गोसाई, क्या है, धरती गोरासी गोसाई, ठीक है। और जिसको और क्या बोला जाता है, तो वसुमाती गोसाई और वीरू गोसाई, वसुमाती गोसाई और वीरू गोसाई, ठीक है। अब आते हैं इसमें और भी है, उन लोगों का मेन फेस्टिवल्स होता था, तो उसको मेन फेस्टिवल्स को क्या बोलते थे, तो उन लोगों का मेन फेस्टिवल्स को बोलते थे बांगी आदिया, देयर मेन फेस्टिवल्स, तो क्या है गांगी आदिया, तो गांगी आदिया मतलब कब होता है, भादो, भादो में, तो भादो किसको बोलते हैं, जनरली जुलाई अगस्त का जो मंथ है, जुलाई का मंथ, उसको भादो बोलते हैं, नहीं भादो बोलते हैं, मैम ये जो अगस्त सितंबर का जो महीना है, सितंबर वाला मंथ, सितंबर, भादो उसको बोलते हैं, सितंबर वाला। फिर उसके बाद बीचे आ दिया, बीचे आ दिया, तो बीचे आदिया कब होता था, तो ये जेठ वाला, जेठ, जेठ, जेठ मतलब हो गया तुम्हारा जून वाला, ठीक है। एक होता है घंघरा पूजा, घंघरा पूजा, तो घंघरा पूजा होता था अगहन में, अगहन बोलते हैं तुम्हारा ये दिसंबर को। फिर माघी पूजा होता है, माघी, तो माघी होता है माघ में, तो माघ हो गया तुम्हारा जेठ आषाढ़, नहीं माघ हो गया फरवरी, ठीक है, हम बता दे रहे फरवरी, ये हो गया तुम्हारा जून और ये अगहन हो गया दिसंबर। अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात कि इन लोग अपना जो बॉडी मतलब से डेड बॉडी लोग बरी करते थे,
दे यूज टू बरी देयर डेड बॉडीज. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा माल पहाड़िया. मैम ये दूसरा वाला क्या लिखे है? बीचे आ दिया. अच्छा थोड़ा सा पूछ के अभी तो और पांच बचा हुआ है. सेकेंड वाला क्या लिखे थे? सेकेंड वाला बीचे आ दिया. जो जेठ में होता था. अच्छा अच्छा जो माउंटेन्स में जो कोरवा जाति रहती थी उन लोगों को क्या बोलते थे? हाँ कांक्षा बोलो. पहाड़ी कोरवा. ठीक है. अच्छा गोत्र को और क्या बोला जाता था कोरवा में? हाँ नेहा किले सिस्टम. हाँ ठीक है. और जो विलेज में रहते थे उन लोगों को क्या बोला जाता था? हाँ काजल बोलो. भूल गए छोड़ दीजिए. सना मैम धरिया कोरवा ना. बिहारिया बिहारी मतलब दुहारी होता ना तो बिहारिया बिहारी. अच्छा इस कोरवा जाति कौन सा भाषा बोलती थी? बोलो नेहा. सादरी लैंग्वेज. ठीक है. अच्छा उरांव ट्राइब्स उन लोगों को क्या बोलते थे जो लोगों जिन लोगों को काम पे रखते थे एज अ लेबर? मीरा बोलो. भांगर. भांगर ठीक है. अच्छा जो लोग ट्रांसफर्ड एग्रीकल्चर करते थे तो ट्रांसफर्ड एग्रीकल्चर को क्या बोला जाता था? हाँ कांक्षा बोलो. बोईदा. बोईदा. ये लोग मेनली कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते थे? सना बोलो. गरवा प्लामू और लातेहार. इनके प्रीस्ट को क्या बोला जाता था? पूजा. बैगा. अब आते हैं माल पहाड़िया. मैम ट्रांसफर्ड वाला क्या लिखा हुआ इसमें? कुछ अलग लिखा हुआ. क्या लिखा है बताओ? इसमें बियोड़ा लिखा है. अच्छा वही बोईद मतलब हम स्पेलिंग में मिस्टेक किए होंगे. बियोड़ा ही है. बी आई ओ डी ए. हम बोईदा लिख दिए होंगे. एक्चुअली यही है बियोड़ा. करेक्ट कर लो तुम लोग. बियोड़ा ही है. ठीक है बियोड़ा ही है. मेरा लिखने में इधर उधर हो गया. बी आई ओ डी ए बियोड़ा. एक्चुअली हिंदी में तुम्हारा है ना इसलिए तुमको उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ. ठीक है बियोड़ा. अच्छा माल पहाड़िया का जो लैंग्वेज है
उसको क्या बोला जाता है, उन लोग कौन सा भाषा बोलते थे? आकांक्षा मालटो मालटो। अच्छा, इन लोग अपने लैंड को डिवाइड किए हैं, तो जो कि बहुत उपजाऊ नहीं है लेकिन कम उपजाऊ भी नहीं है, वैसा लैंड को क्या बोला जाता था? नेहा बोलो। दामे। दामे। और जो एकदम उपजाऊ नहीं है उसको? मैम हिंदी में भी इसमें भी आप लिखा थे ना कुछ, इसमें भी अलग ही है, जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहला उसको सेम, फिर टिकुर, फिर डैम, फिर बाड़ी, मतलब वही। यहाँ पे बीन लिखा हुआ, BEAN, इसमें सेम तो हो सकता है वो एस को बी लिख दिया हो, यहाँ पे SEAN होना चाहिए तब, उसको ब्रैकेट में करके लिख लो तब तुम लोग, क्योंकि इसमें BEAN लिखा होगा, इसमें मिसप्रिंट बहुत है ना। अच्छा एक सेकेंड हम देखते हैं। एक सेकेंड हम बता रहे तुम लोग। तो ऐसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है तुम लोग लिख लो, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि उन लोगों का मेन फेस्टिवल था एक घांगरा पूजा, घांगरा पूजा कब होता था? हाँ पूजा बोलो। अगन के समय होता था, यानी कि में जो लड़का लोग का शादी के लिए जो पर्सन होता था, जो लड़की ढूंढ के लाता था, उसको क्या बोलते थे? माल पहाड़िया ट्राइब में लड़का लोग का शादी के लिए लड़की ढूंढ के लाने वाला पर्सन को क्या बोलते थे? हाँ पूजा बोलो। सीतू या सीतूदार बोलते थे, लड़का का पिता। और लड़की को मतलब शादी के लिए लड़की को पैसा देना पड़ता था, लड़की को पैसा मिलता था, उसको क्या बोला जाता है? सना बोलो। पॉन पॉन टाका बोलते थे, पॉन कैश पॉन जो बोलते थे ना उसको पॉन टाका बोलते थे, और अगर सामान दिया जाता था तो उसको बोलते थे बैगेज, जो दिया जाता था तो उसको बोलते थे बांदी। इन लोग का जो मेन डेटी है, ठीक है, उसको क्या बोलते थे? मेन जो भगवान है, इन लोगों को क्या बोलते थे? हाँ पूजा बोलो। एक नाम था वसुमती गोसाई, और कुछ गोरसा गोसाई भी था उसका, धरती गोरासी गोसाई, और था, और एक है वीरू गोसाई, ठीक है।
तो ठीक है, आज हम लोग इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे और जो भी रिवीजन होगा वो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा कर लेंगे, और तुम लोग सेंसेस याद कर लोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि पीछे का भूलते जाओगे, जो जो करवाते जा रहे हैं, आगे जो ट्राइब्स है वो करवाएंगे और जो जो मेन मेन पॉइंट्स है वो करवाएंगे। हमको लगा था आज प्रिमिटिव ख़त्म कर जाएंगे लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो 24 ट्राइब्स बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी क्लास क्लोज करते हैं, हम करंट अफेयर्स 2 बजे से लेंगे, ठीक है, उसमें 1:30 लिखा हुआ है लेकिन हम 2 बजे से करंट अफेयर्स लेंगे, 2:10 तक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है? ये सब तो सेव हुआ होगा, आई थिंक सेव। देखते ओके चलो ठीक है, फिर हम क्लास क्लोज करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।